तो गाइस अभी मैं हूँ होटल के अंदर। फिलहाल मैं अपने काउंटर वगैरह लगा दिए हैं और होटल के बाहर का एरिया कुछ ये चेक करो, कुछ ऐसा है इसमें खर्चा आ रहा है गाइस। टोटल टोटल 30 लाख रुपए। फ्रूट कटिंग वगैरह करने के बाद मस्त ट्रे में सजा दिए। स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों सभी लोगों को पता ही होगा, मेरे फोन में ना बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए ना इस हफ्ते ओनली एक या दो इसी तरीके से ब्लॉग अपलोड कर पाया हूँ एंड ब्लॉग ही अपलोड नहीं कर पा रहा था वो यार, मतलब मेरे फोन की वजह से। अभी भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम कर रहा है बट कोई नहीं, आई होप आज मतलब थोड़ा ढंग से चल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी फिलहाल मैं आज मंडे है ना, तो मंडे को भी यार तुम्हें पता है मैं खाली रहता नहीं हूँ, तो फिलहाल मैं अभी भी मैं जा रहा हूँ जॉब पे। आपने पहले मेरे पुराने ब्लॉग में देखा था, मैं गया था शादी के काम में, डेकोरेशन वगैरह मतलब जो होता है ना अपने जो पीछे काउंटर दिख रहे हैं इस काम में गया था। तो फिर मैंने सोचा, फिर से भैया का फोन आया, भैया बोले कि यार राहुल आजा चलते हैं, तू फ्री हो तो चलते हैं यार। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं चलते हैं, बट भाई मैं सच्ची बताऊँ फुल रोला रब्बा मचा दी वहां जा। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। तो फिलहाल में आप जल्दी से काउंटर वगैरह लदवाते हैं डीसीएम में, जो जैसा डीसीएम भी अपने आ रखा है एंड उसके बाद में निकलते हैं जल्दी से। सो गाइस फिलहाल में अपने काउंटर वगैरह ही लगा रहे हैं और काउंटर वगैरह पता है लोड किस तरीके से किया जाता है, कुछ इस तरीके से किया जाता है जैसे अपने लॉन्डे लोग देखो लेके जा रहे हैं ना, ऐसे ही हम लेके जा रहे हैं बट यार फोन कौन पकड़ेगा इसीलिए मैं दिख नहीं पा रहा हूँ आपको ले जाते हुए। बट कुछ इसी तरीके से हम लोड करते हैं, काउंटर वगैरह अपने कुछ अपने सेट कर दिया एंड कुछ नीचे के भी अभी लगाएंगे। टोटल दादी कितने काउंटर जा रहे हैं? 30 जा रहे हैं। तो गाइस देखो 30 में अभी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि अभी नई नई एनर्जी उत्पन्न हुई है हम लोगों के अंदर, खाना उना खा के आए हैं। बाकी जब शाम को जब खाना पी के जैसा टुल्ली से हो जाएंगे ना तब बहुत मेहनत पड़ेगी यार। So run with me, if we leave right now, we might make it in time. तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल पे एंड ये है आरके होटल। यार मेरे को लगा वो वाला होगा आरके होटल जो आगे वाला मैंने दिखाया था, बट अबे हम तो यार आगे आए हुए हैं, ये आरके गोल्डन वाइंग पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हम तो इसमें आ गए यार। ये यार देखने में तो सब पूरा कवर से बना हुआ है यार, अंदर देखने में अंदर से देखेंगे गाइस, अभी बाहर से तो यार देख के पता नहीं चल रहा है बट अंदर से देख के देखेंगे कैसा है ये। तो गाइस अभी मैं हूँ होटल के अंदर, फिलहाल मैं अपने काउंटर वगैरह लगा दिए हैं और इस बार हम अपने काउंटर जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं हिरन वाले, जो हिरन वाले काउंटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हिरन का स्टैचू लगा हुआ है जैसे कि बीच में देखो, एंड काउंटर वगैरह कुछ इस तरीके से लगा दिए एंड पता है पॉपट हो गया छोटा सा। जो ये टेबल आते हैं ना इसके ऊपर की जो ये मतलब क्या बोलते हैं नाम तो मुझे नहीं पता, ये लाना भूल गए थे। तो फिलहाल मैं अभी फिर से डीसीएम गया वो लगा रही है एंड इसके साथ साथ ये रात में बहुत चमके उसके लिए दादा अपने लाइटें लगा रहे हैं। और दादा और क्या क्या लगाना है बताओ मुझे, काम बताओ तुम दादा। अच्छा थोड़े टाइम में ये बताओ कवर कहाँ पे रख दूँ ये मैं? अच्छा बाहर रख देते, तो मैं कवर बाहर रखता हूँ। और ये रहा हमारा फल फ्रूट है, जो ये आम है, ये खरबूजा है, और क्या सेब है, तरबूज है। हाय गाइस आपने खरबूजा खाया है? नहीं हमने खाए वो है सस्ता ब्लॉगर वो। मैं अपने फल वगैरह कटिंग कर रहे थे दोस्त लोग और मैं यहाँ पे अपना कॉफ़ी का इंतजाम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपनी कॉफ़ी मस्त लगाएंगे और यहाँ पे कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ पे अपना सूप भी है ठीक है। तो फिलहाल मैं आप जल्दी से यहाँ पे वायर वगैरह मतलब जो कि यहाँ पे लाइटें जलेंगी ना रात में तो मस्त लगेगा, तो फिलहाल मैं जल्दी से ये वायरिंग वगैरह लगा देते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ से जा रही है ना, अंदर को मैंने लगाई नहीं है अभी, तो फिलहाल मैं लगाने के बाद में इसमें वायरिंग जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा अभी अर्थिंग लगा के मतलब लाइट को लगा के कलेक्शन करके चेक करेंगे कि लाइटें जल ली हैं ये वाली या नहीं जल ली है। होटल के बाहर का एरिया कुछ ये चेक करो, कुछ ऐसा है शानदार सा एंड यहाँ का आज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मतलब जो ये पार्टी हो रही है ना, मतलब शादी है, सॉरी पार्टी नहीं है शादी है, तो इसमें कितना खर्चा हो रहा है। तो गाइस आज मैं आपको बताता हूँ इसके खर्चे के बारे में, तो इसमें खर्चा आ रहा है गाइस टोटल टोटल 30 लाख रुपए का। गाइस मैं तो हैरान हूँ भाई, बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं। 30 लाख अगर मेरे पास में 30 लाख होते ना तो गाइस मैं सच्ची बताऊं मैं एक दो प्लॉट खरीद के उसमें घर भी बनवा लेता यार। पता है मतलब बहुत कुछ मैंने लाइफ में अपने सोच रखा है, सोचो यार मतलब इतनी बड़ी शादी भाई और कितने लोग आ रहे हैं पता है, इसमें इसमें आ रहे हैं 700 लोग। गाइस ये चेक करो हमारा कुछ अंदर से होटल एंड यहाँ पे अपने ने सब टेबल वगैरह मस्त सेट किया है और वहाँ पे है भाई अपना पंजाबी ढाबा करके एंड वहाँ पे चिकन वगैरह मिलेगा, यहाँ पे अपना नॉर्मल वेज नॉन वेज वगैरह के जैसे बोलते हैं ना वो हो गया एंड यहाँ पे अपनी जयमाला वगैरह पड़ेगी और यहाँ पे अपना डीजे हो गया और यहाँ पे वो पिक्चर वगैरह चलती ही नहीं है फोटो वगैरह वो यहाँ पे। और बाकी मस्त जगह करो भाई, क्या लग रहा है ना क्या व्यू है भाई, एक फोटो तो बनता है यहाँ पे, आप जल्दी से तो फोटो खींचते हैं यहाँ पे।
फ्रूट कटिंग वगैरह करने के बाद हम मस्त ट्रे में सजा दिए, बट यार ना यहाँ पे तरबूज को सजाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बट जैसे तैसे मैंने मस्त यहाँ पे सजा दिया। एंड फिलहाल में यहाँ पे देखो अपना पाइनएप्पल, एंड पाइनएप्पल में भी छोटा सा लोचा हो गया यहाँ पे, वो ये हो गया जैसे कि ये पाइनएप्पल जो है ना ये राजा है, और जो मतलब रानी आती है ना वो खाने लायक होती है। एंड फिलहाल में कुछ यहाँ पे ये भी अभी इस पर सेट करेंगे, एंड खरबूज वगैरह यहाँ पे हो गया, ये अभी इस पर सेट करने के बाद में मस्त यहाँ पे अपने ये कट रहे। ये क्या था पपीता पपाया पपाया बोलने वाले थे, फिर हिंदी में निकल गया पपीता। यार कोई नहीं दादा, यार अब जल्दी से इसे सेट कर लेते हैं एंड मिलता हूँ उसके बाद में। यार एंड फिलहाल में अपनी टेबल वगैरह मस्त लग के रेडी हो चुके हैं, और फिलहाल में अभी 8 बज चुके हैं, बट यहाँ पे अभी देखो अभी तक भीड़ नहीं लगी। और गांव में आप सभी लोगों को पता ही है जो कि शादी उदी होती है ना 8 बजे के टाइम पे ना अच्छी खासी भीड़ हो जाती है जहाँ पे पार्टी, बट यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है। बट नॉर्मली जब भी वो लाइटें वगैरह जल गई ना तो देखो कितना शानदार लग रहा है। एंड अभी अंदर वगैरह भी लेके चलूंगा आपको, बस वहाँ पे व्यू चेक कराऊंगा, बस यार फोन डाउन ना हो मेरा बस। और मेरे दोस्त तुम्हारा फोन चार्ज है पहले ये बताओ? हाँ मेरा है बहुत चार्ज, तो तुम्हारे फोन से ब्लॉग शूट करूंगा मैं आज, ठीक है? मेरा फोन 4% बचा हुआ है, तो ठीक है। हाय गाइस, देखो राहुल भाई अपनी, राहुल भाई दिखाओ अपने आपको, देखो जी इन्हें खरबूजा काटा है, इतना मस्त काटा है। और जब प्लेटें तैयार, राहुल भाई ने करें खरबूजा तरबूज।